साथ साथ देश विदेश से अनुयायी दीक्षा भूमि पहुंचते हैं। इस पार्श्व भूमि में विभिन्न संगठन एवं व्यक्ति अनुदान करते हैं। विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री ने कहा है कि यह अभिमान की बात है, लेकिन अब अन्न एवं औषधि प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। विभागीय आयुक्त ने कहा कि दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर अनुयायियों को समुचित सुविधाएं मिलनी चाहिए। 24 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस समारोह होगा। इसके लिए हो रही तैयारी की समीक्षा आज की गई। विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सदस्य डॉक्टर सुधीर फूलछेले, विलास गजघाटे आदि मौजूद थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।